गाइस वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोस रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। चैनल पर न्यू हो उसको सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आगे ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसा आ गया, थोड़ा यार अजीब सा टॉपिक है क्योंकि अभी मुझे काफी लोगों ने बोला है इस पे लाजमी यार कुछ बोलो, तो क्योंकि हमारी मोस्टली ऑडियंस सारी मतलब इंडियन की है, इंडियन है, तो तब हमने काफी लोगों ने बोला है इस पे बोलो। तो यार इंडियन आर्मी के जवान के साथ पुलिस की बदसलूकी का वीडियो देखकर खून खोल उठेगा, ये टाइटल है। मतलब हिंदी में था तो हमने मतलब उर्दू में किया, तो मतलब मेरे ख्याल में पुलिस ने कोई बदसलूकी की है तो वो अब मतलब अब न्याय मांग रहा है, मतलब जस्टिस मांग रहा है। तो यार सबसे पहले वीडियो देखते हैं, हाँ हो जाए उसके बाद आइडिया होगा कि क्या है मतलब क्या नहीं है। तो काउंट डाउन करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। हल्के दरोगा से बात कर रहा था तभी अनिल कुमार विश्वकर्मा ने मेरे 3-4 झापर मारे। ये पुलिस वाले ने यार, ये उसका नाम बता रहा है, ये लड़का भी मुझे काफी यंग लग रहा है। तो मैं मुख्यमंत्री आवाज के सामने जाके मुख्यमंत्री के सामने अपने आप पे पेट्रोल डाल के अपने खुद को जला दूंगा, मेरी आत्मसम्मान की बात है ये। आत्मसम्मान की बात है बिल्कुल। ये सेना का जवान विलख विलख कर रोते हुए आत्मदाह की बात कर रहा है। जिन्हें रोते हुए आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इंडियन आर्मी के जवान राणा सिंह हैं और इनके इस हालत के जिम्मेदार है यूपी पुलिस के कुछ लोग, वही पुलिस जिसे सही और गलत में फर्क नहीं बस वर्दी की धार कुछ होते हैं दादागिरी करते हैं और तरह से परिचय देते हुए ये बता दें ये वो है जो सीमा पर आतंकियों के दांत खट्टे करते हैं। लेकिन क्या कहिएगा जब जान की बाजी लगाने वाले जवानों से ही अपने तहसील और पंचायत में बदतमीजी होने लगे। मामला रायबरेली में थाना डीह के पठोई गांव का है जहां एक हवलदार रैंक के पुलिस वाले ने भारतीय सेना के इस जवान पर न सिर्फ हाथ उठाया बल्कि उसे गंदी गंदी गालियां भी दी। राणा सिंह सेना में जवान है और इस समय श्रीनगर में तैनात है। दरअसल मामला पड़ोसी से विवाद का था लेकिन पुलिस लगी धौंस जमाने। राणा सिंह मामले की शिकायत करने थाने गए, वहां उन्हें न्याय नहीं मिला, हाँ गालियां और थप्पड़ जरूर मिली। मेरे गाँव के पड़ोसी है शिव प्रकाश विश्वकर्मा, उनको मैं जमीन पे मिट्टी डाल रहे थे, उनको मैं समझाने गया कि इस पे मिट्टी मत डालो, मेरे घर में कोई नहीं, मैं लड़ना झगड़ना नहीं चाहता, ग्राम प्रधान है वो मेरे विपक्ष में है, पूरी तरह की इसको फंसा दिया जाए। उन्होंने उस आदमी को भेजा थाने में, नाम एप्लीकेशन दिलाया, तो थाने से अनिल कुमार विश्वकर्मा अंदर जाता है, बोला आपको एसओ साहब बुला रहा है। मैं गया वहाँ तभी रामू मिश्रा ने फोन कर दिया कि इसको 2-4 लट मारना, इसकी गर्मी निकल जाए, जो हमारे ग्राम प्रधान है। तभी मैं हल्के दरोगा से बात कर रहा था तभी अनिल कुमार विश्वकर्मा ने मेरे 3-4 झापर मारे। इस जवान से जितनी बदतमीजी हो सकती थी पुलिस ने की, सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया। ये भी भूल गए कि इनकी वजह से ही वो घरों में चैन से सो पाते हैं। सही तो बात है यार। पुलिस वालों ने अपनी खाकी को और नीचे गिराते हुए जवान से पैसे तक मांग डाले, कहा कि मुझे 4,000 रुपया दे दो, तुम्हारे मैटर को हम सलटा देते हैं, जिसमें से 1,000 मुंशी, 1,000 अनिल विश्वकर्मा और 1,000 हरेंद्र कुमार और 1,000 की थाने में पार्टी होगी। मैंने जो कहा था मेरा 151 में चालान कर देते हैं, कुछ भी कर देते, लेकिन मुझे बहुत मारा और उसके बाद मुझे बोला कि तुमको मैटर सलटाया है, 4,000 रुपए दो, जिसमें से 1,000 मुंशी, 1,000 अनिल कुमार विश्वकर्मा और 1,000 हरेंद्र चार, बोले मैं लूंगा 1,000 में ताने में पार्टी कर। उसके बाद यहाँ बताए मुझसे यही बोला कि आपको न्याय मिलेगा, आपको बोले मुकदमा ठोक दूंगा, तो मैं इसके हिसाब से बताया, बोले कोई मुकदमा तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं होगा, और मैं बस यही चाहता मुझे न्याय मिले, मुझे कार्यवाही नहीं करता मैं न्याय चाहता हूं। अगर नहीं हुई तो मैं योगी जी के सामने जाके खुद को जला दूंगा। मैं योगी जी मेरे स्वाभिमान की बात, मेरे ग्राम प्रधान पूरी तरह मेरे पीछे पड़े हैं, दबंग आदमी है। रो रहे इस जवान की बात को सुनकर जरूर आपका भी खून खौल गया होगा कि भला कोई इतना कैसे गिर सकता है, लेकिन हाँ गिर सकते हैं जब ऐसे पुलिस वाले हों कि किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इंडियन आर्मी से बड़े हो गए हैं ये पुलिस वाले? क्या पुलिस को अधिकार है किसी पर भी हाथ उठाने का? आर्मी भी नहीं होना चाहिए यार। ये सभी सवाल हमारे और आप सभी के जहन में है, पर हम और आप अभी थोड़े से डिप्लोमेटिक हो गए।
अपने आसपास ऐसी घटनाओं को देखकर नजरअंदाज करते हैं। क्यों आपको नहीं पता कि ये जवान हमारे और आपके लिए गोलियां खाते हैं? नहीं यार, इस चीज को तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। होते हैं तो ये हर मौसम में हमारे लिए लड़ते हैं, इसलिए ये आपकी भी जिम्मेदारी है। अब सवाल है कि हमारे सेना के इस जवान को इंसाफ कब मिलेगा और कब ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी। इसी के साथ ये वीडियो खत्म। तो यार मतलब पहले तो यार मतलब मैं कहता हूँ इनको बिल्कुल मिलनी चाहिए यार, इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि यार एक जो हमें मतलब बचाते हैं बॉर्डर्स पे, हमें मतलब सब कुछ करते हैं, उन्हीं को मतलब यार इस तरह मारोगे तो फिर क्या फायदा? वही ना मतलब। और ये बंदा भी बिल्कुल यंग लग रहा था मुझे, ये हाँ, बच्चा भी था यार, मतलब बच्चा तो लग रहा था बिल्कुल, 19 साल का था, बीस का होगा ज्यादा, बच्चा था। और पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में भरे हुए होंगे, क्या करें मतलब यार, ये खुद बोला कि मैं लड़ना किसी और हवलदार था अगला बंदा यार, पुलिस को किसने रिश्वत मांगते हैं, मतलब रिश्वत मांगते हैं तब भी तो यार पुलिस पे मतलब, और कंट्री में जो है पुलिस को देखकर लोग सेफ महसूस करता है, इंडिया पाकिस्तान में मतलब पुलिस को देखकर लोग डरते हैं, भागते हैं कि मतलब चलो मतलब साइड पे उनसे, इनसे साइड पे यही होता है, यही होता है, ये पक्की बात है। मतलब हर पुलिस एक जैसी नहीं होती, बीच में काफी अच्छे भी होते हैं, हाँ यार अब बिल्कुल मतलब अच्छे से ट्रीट करने वाले लोग होते हैं, लेकिन जो करप्ट पुलिस वाले वो जहर होते हैं, जहर कंट्री के लिए जहर। और यार इसने बंदे ने खुद बोला मैं लड़ना नहीं चाहता, उन्होंने फिर इसको मारा, अरे क्या कहाँ पे इंसाफ है यार? ये मतलब आर्मी के पुलिस वालों को किसने हक दे दिया कि आर्मी वाले को मारे वो इस तरह से? मतलब की जो पुलिस वाले का जो आर्मी वालों का औहदा है वो उनसे रैंक ऊपर है पुलिस वाले से, तो इनको किसने दे दिया कि मारना चाहिए? मतलब देखा जाए तो मतलब अब यार ये इन्हीं की वजह से सारे सेफ हैं, पुलिस समेत बिल्कुल, मतलब पुलिस लोगों को सेफ रखती है मैं मानता हूँ हाँ, लेकिन जो करप्ट हैं उनको मैं कहता हूँ उनको पुलिस भी नहीं कहना चाहिए, करप्ट जो पुलिस वाले ज्यादातर पुलिस में करप्शन बहुत है, मार के 4,000 रुपए मांग रहे हैं, 4,000 मतलब एक हवलदार का 1,000 होगा, 1,000 मेरे ख्याल में जिसका वो जिस हुआ था 1,000 की पार्टी होगी, पार्टी की भी मतलब साथ को भी खिलाते हैं तो फिर वो भी चुप रहते हैं, क्या बंदा करे यार? ये देखो इनकी पे ज्यादा ज्यादा कितनी होगी इस बंदे की, 20,000-30,000 होगी, घर चलाना होता है, सब कुछ करना होता है यार, और ऊपर से गोलियां भी खाते हैं हम लोगों के लिए, हमें कम से कम थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए ना इनको, पता है लोग देते नहीं चाहिए, पब्लिक जो है सबसे ज्यादा आर्मी की रिस्पेक्ट करती है, बिल्कुल करती है। आप देखना कितने मतलब लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, मीडिया तक बात पहुंच गई है, अब तो देख उनका क्या हाल है। वही ना, मैं तो कहता हूँ उनको खत्म कर देनी चाहिए। तो यार काफी लोगों ने काफी लोगों ने हमें भी बोला था इस पे बोलो यार, क्योंकि हमारी मोस्टली मतलब ऑडियंस इंडिया से है, तो यार हमने तब बोला तो यार मतलब वाकई वाकई में इसको जस्टिस मिलना चाहिए, इसको कोई शक नहीं है, मतलब न्याय देना यार, मुबशिर शराफत की तो कोई अहमियत नहीं है कहीं भी, बिल्कुल ये शराफत दिखाई इसको क्या मिला, मतलब शरीफ लड़का लग रहा था भाई ना, और कोई होता उनका क्या हाल कर देता हूँ, यही तो बात है। तो यार आप इसके बारे में क्या कहते हो, लाजमी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाजमी आपने अपने थॉट्स शेयर करने हैं, तो यार यहीं खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते एंड सत श्री अकाल।